मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसकी आवाज सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो उन्हें बाहर निकाल चुकता है तो वो उनके आगे आगे चलता है क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे परायों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तो यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो एक मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है वैसे मैं उसे जानता हूं और मैं उनके लिए प्राण देने को तैयार हूं। मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी तो लाना है। वो मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड का एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, और ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर से फूट पड़ गई। कुछ भी बोले जा रहा है, उसमें दुष्ट आत्मा है। वो पागल है। तुम उसकी क्यों सुनते हो? बातें ऐसी व्यक्ति की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है?